हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रंजन सर यूट्यूब चैनल, और डियर मैं हाजिर हूँ आपका बचा हुआ रूल्स लेकर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए डियर शुरू करते और ज्यादा देर नहीं करते, और आई होप 12 रूल्स हमने पिछले वीडियो में किए थे तो 8 रूल्स हमारे बचे हैं, तो आज उसको जल्दी से हम लोग फिनिश करते हैं। तो डियर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रूल नंबर 13 की, तो ये मैं लेकर आया हूँ देयर से रिलेटेड। तो डियर देयर एक ऐसा मतलब वर्ड है ना, दो तरीके से यूज होता है, एक होता है डमी सब्जेक्ट और दूसरा होता है एडवर्ब के जैसा। तो डियर जब डमी सब्जेक्ट होता है ना तो इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब ये हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगा, कैसे रिलेट करेगा ये? तो डियर ये रिलेट करेगा अपने बाद वाले नाउन के हिसाब से। तो अगर ये नाउन सिंगुलर होगा डियर तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और अगर ये प्लुरल हुआ तो वर्ब हमारा कैसा हो जाएगा डियर, प्लुरल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे देयर का कोई मतलब नहीं होता, वो डमी होता है। डमी समझते ही होंगे, फोन खरीदने जाते हो तो डमी फोन दिखाते हो आपको, वही वाला डमी है डियर, कोई इसका वैल्यू नहीं है। ये इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ये नॉन को रिलेट करेगा, ना कि इससे कोई रिलेट करेगा, इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं छोटा सा एग्जांपल डियर। देयर इज टू स्टूडेंट्स इन माय बैच। अब गलती निकालना आपको अब आसानी से, आई होप ये रूल देख के निकाल लेंगे कि सब्जेक्ट ये तो है नहीं, सब्जेक्ट हमारा कहां है डियर, टू स्टूडेंट्स। और हमने पिछले वीडियो में किया था कि 2, 3, 4 जितने नंबर्स एक के अलावे, वन के अलावे जितने नंबर्स होंगे वो सब प्लुरल होते हैं डियर। अगर ये प्लुरल है तो इसके हिसाब से इज को हटा के क्या करना पड़ेगा डियर, आर करना पड़ेगा। आई होप ये चीजें क्लियर हो गया होगा। नंबर 14 पे आते हैं डियर। अगर मैं बात करूं रूल नंबर 14 की, तो ये मैं लेकर आया हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन, आपने पढ़ा होगा, सॉरी लाइक आपने देखा होगा कि सम, और बात करूं मैं जैसे लिखते हैं हम लोग ना, सम के साथ क्या आता है, थिंग भी आता है, बॉडी भी आता है और वन भी आता है। देखा होगा आपने समथिंग, समबडी और समवन, ये सारी चीज आपने देखा होगा। या इसके बाद बात करूं मैं एनी की, तो एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन। अगर मैं बात करूं नो की, तो नो के साथ भी आपने देखा होगा नथिंग, नोबडी और नो वन। तो सम, एनी और नो, जब ये सारी चीज आ जाए डियर तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ये ध्यान रखेंगे। लाइक समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग आर रॉन्ग नहीं होगा, समथिंग इज रॉन्ग। तो डियर ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई बोले कि सम बड़ी आर वेटिंग फॉर यू, तो डियर यहां पे गलती कहां मिला, ये मिल गया कि समबडी के साथ आर नहीं आएगा, क्या आएगा जी, इज आएगा। तो आई होप ये रूल नंबर 14 भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो डियर आते हैं रूल नंबर 15 पे। तो डियर अगर हम रूल नंबर 15 की बात करें, तो रूल नंबर 15 में मैं लेकर आया हूं आपके लिए इज, एम, आर, बड़ा आसानी सा चीज है, वाज, वर, बी एंड बीइंग, बीन, सॉरी, इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन। डियर इसके साथ भी थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा ध्यान से रखेंगे इसको जब आप देखेंगे सेंटेंस में कि इज लगा है तो क्या आया है। तो डियर और ये तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड भी होता है आपके सेंटेंसेस में, जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, तो इस पे भी आपको थोड़ा सा गौर करने की डियर है जरूरत थोड़ा सा, कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन अगर इसके साथ आएगा तो आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कब, जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में हो, और जब इसके साथ V3 फॉर्म भी आता है डियर, जब सेंटेंस आपका किस वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो। तो ध्यान से देखने की जरूरत होगी कि आईएनजी वाला सही हो रहा है या V3 वाला सही हो रहा है। आज मैं 11th क्लास की कहानी बताता हूं, 11th क्लास वाले में आज ये देख मैं पढ़ा रहा था, सॉरी एम इज आर से रिलेटेड प्रॉब्लम था, ऐसे लग रहा था कि एम इज आर ही सही है, लेकिन वहां पे उसको चेंज करके हैज हैव में किया गया था। तो ध्यान रखेंगे जरा कि इससे रिलेट करके आगे भी दिया जा सकता है कि भाई वहां पे एम इज आर नहीं होगा, हैज हैव होगा, ये तो दिया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको मिल जाए, लेकिन ये भी हो कि एम इज आर के जगह पे हैज हैव हो। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं एक ऐसा, She is teaching her students. She is teaching her students. वह अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो यहां पे डियर टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ इतना होता है, जैसे लोग लिख दे कि शी इज लाइक आपको टीचर्स लिख दे और
सॉरी एक ही वर्ब आएगा यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाए कि शी इज टीचेज, तो ये गलत हो जाएगा डियर। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा डियर, टीचिंग करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एब्सर्ड सा एग्जांपल्स हो गया, बट इस तरह की भी गलतियां आपको शायद मिल सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर एक्टिव में है तो आईएनजी आएगा, और अगर पैसिव में है तो वो वी थ्री फॉर्म लेकर आएगा। कभी वहां पे ये नहीं लगाया, अगर ऐसे लिखते जैसे देखें हम, ही इज ओके, एक और मैं लिख दू बींग, नो ओके, ही इज, अगर ऐसे लिख दे रही है अब्यूजिंग बाई हर, हाँ अब सेंटेंस सही आया, he is abusing by her, तो ये sentences गलत होगा डियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे by her दिया है, जो कि हमारा passive voice का दम पहचान है। तो डियर यहाँ पे हम इसको हटा करके क्या करना पड़ेगा डियर, abused करना पड़ेगा। तो आई होप ये 15 और 5 और बचे, तो मैं जल्दी से कराता हूँ, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए और जल्दी आते हैं। तो डियर आते हैं हम आपके 15, अब आते हैं हम 16 नंबर पे। तो डियर अगर कहीं आपको गलती से भी ए वाला शब्द मिल जाए while, तो डियर वाइल के साथ जनरली और बोले फ्रीक्वेंटली या हर वक्त, इसके साथ जो स्ट्रक्चर आता है डियर वो आता है सब्जेक्ट एम इज आर प्लस आई एन जी और वाज वर। ये जो है एम इज आर डियर ये रेयरली मिलेगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस होता है ना, जब दो एक्शन पास्ट में एक साथ होते रहते तब हम वाज वर प्लस आई एन जी वाइल के साथ लगाते, जैसे मैं स्कूल जा रहा था जबकि वह स्कूल से आ रही थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि वाइल के साथ कभी भी आप V2 या V3 का यूज नहीं करेंगे, वो when के साथ होता है। अगर मैं बात करूं कि when लिखा हो टेंसेज वाले में, तो इसके साथ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे while का यूज करते समय हमेशा ing वाला टेंस ध्यान रखें, कि while लगाए तो ऐसा नहीं लिख दे। थोड़े से एग्जांपल से देख ले, शी इज कमिंग हेयर, सॉरी पास्ट में लिख लें डियर, शी वॉज कमिंग हेयर वाइल I went there, तो sentence there गलत हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए, while I was going there। तो I hope चीजें क्लियर हो गई कि कभी while के साथ आप V2 का यूज ना करेंगे, वो हमेशा ing वाला आएगा। देर एक आते अगर मैं बात करूं रूल नंबर 17 की, तो डियर आपने देखा होगा 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम, और एक होता है इसके साथ डियर since plus point of time। तो डियर इससे भी आपको 9th 10th में तो आप आराम से, 11th में शायद इससे ना एरर मिले, लेकिन वहां भी अगर मिल जाए तो आपको शायद पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो। तो डियर 4 पीरियड को बताता है। पीरियड क्या होता है डियर, अगर मैं टाइम की बात करूं तो डियर टाइम ऐसे चलता जा रहा है, देखेंगे ध्यान से, टाइम ऐसे चलता जा रहा है, जो भी टाइम आप लेंगे वो ऐसे एक लाइन में वो चलता जा रहा है। जब सिंगल आप एक लाइन की बात करते हैं डियर ना, तब हम उसको कहते हैं कि हम पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं, सिंगल एक। जैसे मैं बोलूं जन्म से मैं शुरू करता हूं, जन्म आया, फिर थोड़े से बड़े हुए मतलब चाइल्डहुड आया, फिर आपका यूथ आया, फिर आपका ओल्ड एज आया, तो इस तरीके से चीजें चल रही है। अभी हम चल रहे 2020 आ गया, क्या आएगा सॉरी 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, सपोज जनवरी चल रहा है, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, तो इस तरीके से टाइम हमारा चल रहा है। जब सिंपली आप एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे डियर, तो सिंस का यूज करते हैं, और अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड बनेगा कैसे, कम से कम दो को मिला के, जो ये बीच वाली खाली लाइन होगी, जब इसके बारे में बात करेंगे तब हम 4 का यूज करेंगे। क्लियर है? जब भी आप कोई भी टाइम ले रहे, जैसे मैं बोलू मैं 4 बजे से यहां हूं, तो 4 बजे क्या एक पॉइंट है आपका, वहां पे सिंस आएगा। अब आते हैं हम दूसरे अपने फॉर्मूले पे, जो मैं बार बार बताता भी हूं। जब भी आप टाइम देखें और सिंस 4 लगाओ डियर, तो एक दिमाग लगाए कि क्या वो टोटल टाइम है, अगर टोटल टाइम है तो 4, और नहीं है जब आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी तो सिंस लगेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं देखेंगे, शी हैज लव्ड मी फॉर चाइल्डहुड, शी हैज लव्ड मी फॉर चाइल्डहुड। आप देखिए डियर, चाइल्डहुड अगर दिया हुआ है, तो अगर कोई बोले कि यार वो कितने दिन से आपसे प्यार करती है, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितना समय हुआ है? बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डियर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको सिंस यूज करना है, और जहां पे दिया हुआ है वहां पे 4 यूज करना पड़ेगा। तो गलती हमने पकड़ ली, यहां पे क्या आना चाहिए, सिंस, चूंकि हमें टोटल टाइम नहीं दिया हुआ है। अब आते सेकेंड एग्जाम्पल पे डियर, लाइक शी हैज लव्ड मी
सिंस फोर ईयर्स, सिंस फोर ईयर्स। आप देखेंगे जरा टोटल टाइम, अगर कोई पूछे कि कितने दिन से प्यार करती है जी, तो आप आसानी से बता सकते हैं फोर ईयर्स। यहां पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं हो, पे क्या यूज करना है फोर, ये गलत हो जाएगा, इसके जगह पे क्या आएगा जी फोर आएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से पढ़ते हैं रूल नंबर अपने 18 की तरफ। तो डियर 18 रूल नंबर है हमारा कंपेरेटिव डिग्री से रिलेटेड। ध्यान रखेंगे कंपेरेटिव के बाद देन आता है, देन नहीं। ये तो ऐसा है ना, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले को ये मिसमैच हो जाता है, उनका कंफ्यूजन यहां होता है कि देन और देन बिल्कुल मिलता जुलता है, तो जल्दी से आप पकड़ नहीं पाते। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सीडी के बाद देन आता है ना कि देन आता है, क्लियर है। अब आते एक और पॉइंट डियर, इसके पहले द का यूज डियर नहीं होगा। सीडी जब भी आएगा तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा, और कब कब नहीं होगा जरा ध्यान रखेंगे। ये देन आने पे द नहीं होगा, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहां पे तो मैंने ये बताया डियर कि सीडी के बाद देन आएगा, देन नहीं आएगा। दूसरा देखें कि अगर मैंने सीडी लिखा, सीडी समझ में आ रहा होगा ना डियर, कंपेरेटिव डिग्री, सी ओ एम पी ए आर एच ई आई बी ई, कंपेरेटिव डिग्री, जिसके अंत में ई आर लगा रहता है या मोर लगा रहता है एडजेक्टिव्स के पहले, ठीक है, ये होता है। और अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव्स प्लस ई आर होता है, ठीक है, इसके साथ हमेशा देन आएगा ना कि देन आएगा। और अगर सीडी लिख दे डियर और देन के जगह पे देखेंगे, देन के जगह पे हमने क्या लिखा है ऑफ, ऑफ द टू, अगर सीडी के जगह पे ऑफ द टू लगा दे डियर तो द इसके पहले जरूरी आएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का कि सीडी के पहले द जरूरी आएगा। तो आई होप डियर 18 रूल्स हमने जल्दी जल्दी कर लिए, दो रूल्स और बचा उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले ले जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर बात करते हैं नंबर 19 रूल्स की, और ये आपके हैं पजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड, पजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड। तो डियर अगर हम बात करें पजेसिव एडजेक्टिव की, तो ये भी जब सब्जेक्ट बनता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ये सिर्फ रिलेट करने के लिए आता है। अब इसके बाद आता है सिंगुलर नाउन, और इसके बाद आता है प्लूरल नाउन। तो ध्यान रखेंगे कि जब सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और जब प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब कैसा होगा जी, प्लूरल होगा। अब देखिए जरा जल्दी से पकड़ के क्वेश्चन, अगर मैं लिखूं माय ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो डियर आप जल्दी से देखेंगे कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसके साथ हमें नहीं देखना, हमें बाद वाले नॉन को देखना है कि नॉन कैसा आया है। तो देखिए डियर नॉन में एस लगा है, जब नॉन में एस लगता है तो ये हो जाता है प्लूरल, और जब नॉन में एस लगा है तो वर्ब से हमें एस हटाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर टेंस की वीडियो आप नहीं देखे तो टेंस की वीडियो देखिए, कि वहां पे अगर नॉन अगर सब्जेक्ट बन के आ रहा हो, नॉन में एस लगा, आपको वर्ब से एस हटाना होगा। तो आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। आते डियर लास्ट रूल के लिए, और ये आपका रूल नंबर 20 है, जहां पे हम बात करेंगे हु और विच की, कैसे यूज करते डियर हु और विच। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर हम एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। अगर मैं लिखूं आई नो अ मैन विच इज वेरी रिच, अब ये सेंटेंस में गलतियां आपको ढूंढने के लिए कहा जाए कि आई नो अ मैन विच इज वेरी रिच, तो आप आसानी से आई हो पकड़ लेना चाहिए अगर आप 9th 10th अच्छे से पढ़ रहे हो। तो डियर अब देखिए जरा कि विच किसके लिए आया है, तो देखेंगे यहां हु का यूज हम करते हैं पर्सन के लिए, किसके लिए करते हैं पर्सन के लिए, और विच का यूज किसके लिए करते हैं जी थिंग के लिए, इट मींस नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। अब देखें अब ये विच आया किसको रिलेट करने, नॉन को, जो कि नॉन हमारा का हमारा सॉरी नॉन हमारा क्या है मैन है, तो मैन के लिए क्या आना चाहिए यहां पे, विच को हटा करके हु करना पड़ेगा। एक रूल और यहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूं डियर, कि ये जो वर्ब है ना, इससे कोई इसका मतलब नहीं होता है, ये क्या करता है कि ये जो नॉन है इसी से ये वर्ब रिलेट करता है। अब देखेंगे कि क्या करते हैं कि रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन इसको हम कहते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो इस नॉन को हम नॉन नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं एंटीसीडेंट कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर हुआ तब तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल हुआ तो कैसा आ जाएगा, प्लूरल हो जाएगा।
तो डियर आई होप ये आपके 9th 10th और एज वेल एज 11th एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप एडिटिंग करते या कोई भी सेक्शन आप करते बहुत ही हेल्पफुल होगा। डियर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में और रिलेटिव के बीच में जो इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।